नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैप ट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आर्ट बहुत ही इग्नोर टॉपिक है। आज के वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स शेयर करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे राइट काइंड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि किस तरह की पेंटिंग्स को आपको चूज करना है, उनके साइज, उनके कलर, उनके थीम, उनकी माउंटिंग, उनके सरमाउंटिंग, किस तरह से उनको प्लेस करना है, वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है। कुछ टिप्स हैं जो हमारे पास अभी हैं, जैसे आपको बता दें कि बिगर इज बेटर। जितनी बड़ी वॉल है उसको आप मिनिमम 20% कवर करिए, अच्छे दिखाई देंगे। मिनिमलिस्टिक रखना है तो पेंसिल आर्ट लें जिसमें कम कलर्स हों और सिर्फ लाइंस हों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉल को कवर करना जो बहुत बड़ी है, तो बहुत सारी पेंटिंग ना लगा के एक लार्ज साइज की लगाएं। पर्सनल फोटोज आप अपने बेडरूम में लगाएं, भगवान की फोटो आप अपने टेम्पल एरियाज में लगाएं। इसके अलावा आपके थीम और के हिसाब से उसके फ्रेम को भी मैच। हाय अर्जित। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू वेरी मच। एंड वेयर इज योर फादर टुडे? पापा गोल्ड मार्केट वाली शॉप। अच्छा, गोल्ड मार्केट वाली शॉप में। ओके, वहां पे कैसा चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है। चलिए, ऑल बिकॉज ऑफ क्लैपट्रैप फैमिली वहां पे भी काम अच्छा हुआ है काफी। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड सो नाइस ऑफ यू दैट फाइनली यू हैव कम ऑन स्क्रीन। यस, हम पहले आपके फादर से मिलते थे, आई गेस हमारा थर्ड या फोर्थ वीडियो आपके साथ। ये मैं उस दिन देख रहा था, ये हमारा नाइन्थ वीडियो है। नाइन्थ वीडियो अर्जित आर्ट गैलरी का। ओके, चलिए छोटा सा रीकैप हमारे व्यूअर्स को दे दें। पुणे में और कई सारी जगहों पे हम ट्रैवल करते रहे हमारे इंटीरियर डिजाइनर फ्रेंड्स के साथ। करेक्ट, ट्रस्ट मी, ऑलमोस्ट हर घर में आपकी पेंटिंग थी। हर घर में, और डॉक्टर साहब के घर में तो मेरे ख्याल में 40-50 पेंटिंग्स थी। 63 पेंटिंग्स। 63 पेंटिंग्स। ओके, सो नेम ऑफ द कंपनी इज अर्जित आर्ट गैलरी। आप बहुत लर्नेड हैं, आप आर्ट को बहुत क्लोजली समझते हैं, और दूसरा वो तो हम बात करेंगे, आप एस्थेटिक्स भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कहाँ पे आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पेंटिंग्स के थीम, कि मतलब कौन से घर में कौन सा थीम, कितने नंबर ऑफ पेंटिंग्स लगेंगी एक वॉल के ऊपर, वो भी आपके पास क्लैरिटी अच्छी है, और साइज को लेके भी आपके पास बहुत क्लैरिटी है। पूरे वीडियो में हम वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करते जाएंगे। करेक्ट, राइट, फॉर श्योर। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि जितने भी आर्टिस्ट आपसे कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं उनका किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई कमर्शियल बेनिफिट भी हो रहा है। राइट, इंडियन आर्टिस्ट प्रमोट हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो आप वो छोटा सा कैलकुलेशन बताएं कैसे करते हैं वो। देखो, कमर्शियल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी आर्टिस्ट का सेटिस्फाई होना चाहिए, मोर देन पैशन। देखो, एवरी हाउस होल्ड नीड्स टू बी यू नो फुलफिल बाय द राइट मनी दैट ही डिजर्व्स। राइट, तो इंडियन आर्ट फॉर्म ऐसे चलता है कि आप अगर एक पेंटिंग फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ की लेके 10,000 रुपीज़ की बेचोगे, तो वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने में एक पेंटिंग बिकेगी। वर्सेस आप 10 रुपीज़ की लेके उसको 13 रुपीज़ 14 रुपीज़ में बेचोगे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी एबल टू बाय दैट आर्ट, अफोर्ड दैट आर्ट, और इंडियन आर्ट प्रमोट होगा। बिल्कुल। आज जो चाइना का काम हो रहा है, अगर हम उसको कंपेयर करें इंडियन आर्ट फॉर्म से, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही आता है, वहाँ लो मार्जिन वैल्यू और लो प्रोडक्ट वैल्यू आती है, और क्योंकि क्वांटिटी में मिल जाती है इसलिए लोग उसको बल्क में भेज देते हैं और वो आजकल बिक रहा है। बट इंडियन फॉर्म इसलिए बहुत लैक हो रहा था क्योंकि चाइना वर्सेस इंडिया में प्रॉब्लम आ रही थी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। और हम लोगों ने इस चीज़ को बड़ा माइन्यूटली समझा, हम इंडियन आर्ट बड़े रीजनेबल रेट्स में खरीदते हैं, बट वॉल्यूम में खरीदते हैं, और बड़े ही रीजनेबल रेट्स में उसको मार्केट में बेचते हैं, सो दैट एवरी हाउस होल्ड इंडियन आर्ट फॉर्म लगाए, मल्टीपल ले, क्वान्टिटी में ले, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा घर को ब्यूटीफाई करें। चलिए, तो हम क्लैपट्रैप फैमिली मेंबर्स के स्टेटस को ध्यान को सोचते हुए हम लोग लग्जरी सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे। राइट, साइजेस बताएंगे और साथ में बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स हैं वो थ्रू आउट द वीडियो हम देते रहेंगे। राइट, ठीक है, तो हम इस एंड से स्टार्ट करते हैं, फिर स्लोली बाकी एंड्स में जाएंगे। कुछ पेंटिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे लग्जरी सेगमेंट में आती है। एक ये पेंटिंग है, ये मेरी म्यूजिकल थीम का आर्ट है जी। एवरी आर्ट, एवरी स्ट्रोक ऑफ कलर्स दैट यू सी, ये सब नाइफ का काम है। ये हमारा बहुत अच्छा, काफी सीनियर आर्टिस्ट है, उनका नाम है धनंजय चक्रवर्ती जी, उसका आर्ट फॉर्म हमने लगाया हुआ है। इसका जो साइज रेशियो 3:4 है, ठीक है, आपको अपने किंग साइज बेड, मास्टर बेडरूम के अंदर इस तरीके के लग्जरी सेगमेंट्स लगाने हैं। यू कैन जस्ट यूज ओनली वन पेंटिंग। अगर आप अच्छी पेंटिंग लगाओगे वो अच्छी पेंटिंग ही मोर देन एनफ होगी। अगर आप पेंटिंग काफी होती है, करेक्ट, अगर आप सस्ती पेंटिंग प्रिंट्स लगाओगे तो आपको जबरदस्ती अपना रूम काफी सारे आर्टिफैक्ट्स के साथ भरना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यही इंपॉर्टेंस होती है, अगर आप अच्छा लग्जरी सेगमेंट की कोई भी चीज अपने आर्ट को यूज करोगे, घर में यूज करोगे, तो वो बहुत अच्छा आउटपुट देती है और पूरे रूम को अच्छा सा डेकोर देती है। बिल्कुल, मैक्सिमलिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, है ना। अब आप ये वाला फॉर्म देखोगे, ये कलकत्ता का आर्टिस्ट है हमारा, ब्लैक एंड व्हाइट शेड में बड़े मिनिमलिस्टिक काम शेड्स कलर्स के साथ हमने इसको बनाया है। बीच में हल्का सा पॉप किया है ट्रैम के ऊपर, रेड कलर की लाइट दी है। बिल्कुल, इसके ऊपर जैसी फोकस लाइट आती है ये ट्रैम अपने आप में दिखती है। मतलब इवन मैं आई हैव सीन काफी प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़े लाइटर शेड के अंदर भी हमें ट्रैम दिख रही होती है, पेंटिंग नहीं दिख रही होती, तो यही इसकी बड़ी ब्यूटी है।
Done. ये क्या प्राइस रेंज में और इससे पहले वाला जो था? उससे पहले वाला जो है वो 28,000 की प्राइस रेंज में है, ये जो सेकंड वाला है ये 15,500 की प्राइस रेंज में। चलिए ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, दिस हैज गॉट लिटिल बिट ऑफ एथनिक स्टाइल, यस, इंडियन ट्रेडिशन, यस, ओके। इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मतलब स्टोरी कह लो या मेरा आर्ट फॉर्म कह लो। मैं आर्टिस्ट के साथ बैठा हुआ था, मैंने उसको बोला यार कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा आप अपना सजेशन दो। तो मैंने बोला उसको यार भगवत गीता जब बनी थी तो जब नरेट हुई थी तो भगवान कृष्ण ने ना पूरे संसार और ब्रह्मांड को रोक दिया था, समय रोक दिया था। ओके, और जब समय रुका था तो सारा ब्रह्मांड और देवी देवता, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे हमने फेसेस को यूज किया जो देवी देवता, अच्छा राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ग्लोब्स दिख रही है जो सारा ब्रह्मांड है, यस सारा ब्रह्मांड और देवी देवता देखने आ गए थे कि क्या हो गया। अच्छा। ये उस टाइम का पिक्चराइजेशन है। ओके, एक चीज और आपने नोटिस किया, मैंने ऑफ कोर्स आपने तो किया ही होगा कि लॉर्ड कृष्णा हैंड्स देयर आर स्ट्रिंग्स जो बाकी सबको कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब उनकी कठपुतली हैं ये इसको चला रहे हैं, राइट, ऐसा कुछ है। वाओ, वेरी गुड थॉट। ये क्या प्राइस रेंज में? ये हमारा है 38,500। अच्छा, दिस मोर टुवर्ड्स एथनिक स्टाइल में जाएगा या फिर आप इसको फ्यूजन में यूज कर? इसको फ्यूजन में ही क्रिएट करना चाहिए। अगर आपका मॉडर्न स्टाइल है, मान लो इंग्लिश कलर्स के आप सोफे यूज कर रहे हो, बेड यूज कर रहे हो, फैब्रिक्स यूज कर रहे हो, उसके साथ जैसे अगर आप मॉडर्न हाउस के अंदर इंडियन डालोगे ना, एक फ्यूजन थीम ऑफ होम, मतलब कोई कंपेयर ही नहीं है उस चीज। ओके, डन, ठीक है। एंड सी, दिस इज द बुक आई एम रीडिंग, दिस इज आल्सो अ पेंटिंग। अरे वाह, सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ सर मेंटो, ही इज फ्रॉम, ही वाज अनडिवाइडेड, जब इंडिया अनडिवाइडेड था पाकिस्तान से, सो दिस इज आल्सो अ पेंटिंग है ना, राइट, यस, ओके, दिस इज आल्सो अ आर्ट फॉर्म, हां, इट्स फॉर ओपन आर्ट। ओके, ये कुछ वर्टिकल पेंटिंग्स है जो हमने, ये सारी क्रिएटिविटी ऑफ आर्टिस्ट है, इसके अंदर हमारा कोई रोल प्ले नहीं है, ये सारा वर्टिकल आर्ट फॉर्म है। अगर आपके पास कोई फॉयर एरिया है, एंट्रेंस एरिया है, क्योंकि आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई होटल है या कोई हॉस्पिटल एरिया है जहाँ पे आप इसको एंट्रेंस में देना चाहते हो, यू कैन यूज सच काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म्स। कैफे, कैफेज है, बार्स है, बॉयज हैं, टीनएजर्स के रूम में। क्या प्राइस रेंज में? ये भी 15,500 की रेंज है। ये बड़ा साइज है, 3:4। अगर आपको इसमें छोटा साइज चाहिए तो अगर आप मेरे पीछे वाली वॉल पे देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, मैंने इसका छोटा आर्ट फॉर्म भी बना रखा है। अच्छा, जो कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज के अंदर यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, वो वाला 3:4 का रेशियो, कौन सा वाला? पीछे जो हमने देखा था, और ये वाला 2:3 का रेशियो है। ऑलराइट, ये क्या अरेंजमेंट 2:3 के? ये 4,500 रुपीस सिंगल पीस है ये भी। हाँ, ओके, डन। ये तो नाइफ आर्ट है ना? कुछ मिक्सचर ऑफ नाइफ एंड ब्रश आर्ट है। अच्छा, अच्छा, काफी फेमस है ये एक्चुअली, वैंगो के बाद में काफी पॉपुलर हुआ नाइफ जो है, वैंगो आर्ट के बाद ही, उनकी जो स्टारी नाइट्स निकली उसके बाद जो नाइफ आर्ट पिक हुआ, काफी सारे आर्टिस्ट ने उनको एक्सपेरिमेंट्स किया, तो अलग 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 आर्ट फॉर्म्स के साथ में वो काम ने किया। राइट, थोड़े दिन पहले ही मैं बुक पढ़ रहा था वैंगो के ऊपर, एंड दिस बुक कॉल लस्ट फॉर लाइफ, इट्स अबाउट द स्ट्रगल ऑफ एन आर्टिस्ट, एंड वो टाइम से लेके आज भी आर्टिस्ट की लाइफ में उतना ही स्ट्रगल है। ही वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट, तो किस तरह की सोशल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनको आर्टिस्ट बनने में डिफिकल्ट हुआ। इनफैक्ट आफ्टर हिज डेथ ही बिकेम मोर पॉपुलर। आप मानोगे नहीं, हम लोगों ने मतलब इन पास्ट 60 इयर्स, नॉट मी बट आई हैव हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम माई फादर ऑल्सो, इतनी सारी स्टोरी सुनी है आर्टिस्ट की। कोई आर्टिस्ट एकदम से आगे बढ़ते हैं, कोई आर्टिस्ट इतना टाइम स्ट्रगल करने के बाद उनका आर्ट फॉर्म मार्केट में उतरता है, तो देर इज नो डाउट कि देर इज नो स्ट्रगल इन द आर्ट फॉर्म। एवरी आर्टिस्ट हसल अ लॉट, उसके बाद ही उनका आर्ट फॉर्म जो है वो मार्केट में लॉन्च हो पाता है, मार्केट में चढ़ता है। बट आई वॉट वी बिलीव, विदाउट हसल यू कांट अचीव एनीथिंग। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, हर फील्ड के आर्टिस्ट का वही होता है। राइट, ये वाला आप आर्ट में आपको दिखाता हूँ, ये 7 horses का है। इट इज नॉट अ वास्तु पेंटिंग। अर्चित आर्ट गैलरी डू नॉट टॉक अबाउट वास्तु, वी डोंट, वी आर नॉट, अर्चित अली डज नॉट टॉक अबाउट इट एट ऑल, वी डोंट टॉक अबाउट वास्तु, वी डोंट, वी आर नॉट द एक्सपर्ट। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, वास्तु के हिसाब से कुछ दिखाइए, हमें उस चीज की कोई नॉलेज नहीं है, आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको वो दूंगा। ओके, दीज आर 7 horses, दीज आर मेड इन एन आर्ट फॉर्म, these are not vastu art form, right? ये we are not vastu consultant actually. No, okay. We are not at all a vastu consultant. All right, how much is this for? This is 28,000 rupees. All right, a beautiful form, I just love it. I'm not a huge fan of horses besides Amber Fosin, right? But I like it the way it is made. I mean, right. Realistic horses, they of course, they, I mean, I'm also a non-believer. Correct. So for me, vastu, I don't know. I mean, since I don't know it, so I can't say that I know it. Absolutely. We also don't consult anything, neither we promote anything. We always believe karma is the right way of living. Right, very true. Aap karam karo, aapko phal apne aap milega. Bilkul.
So I don't know, but horses, these are very beautiful horses. बहुत realistic नहीं है. चलिए, we'll go to the next one now. ये बड़ी realistic है ये वाला. Yes, ये बहुत realistic है. इसकी हमने framing भी बड़ी different करवाई है, so that it matches the aesthetic as well. अगर आप closely देखेंगे, ये किसी building का एक view है, जो कि कैनवस के ऊपर उस आर्टिस्ट ने अपने थॉट्स और इमेजिनेशन के साथ उतार दिया. राइट, इट्स अ मिक्स ऑफ एक्रेलिक कलर्स एज वेल एज ऑयल कलर्स. अच्छा, वी डिड नॉट टॉक मच अबाउट दिस. जनरली आप देखें तो ऑयल कलर्स हैं कैनवास के ऊपर सारे. राइट, मेजरली एक्रेलिक कलर्स हैं. देयर आर वेरी लेस पेंटिंग्स जो ऑयल कलर्स में. ऑयल इज अ लिटिल कॉस्टली. हां, ऑयल इज अ डिफरेंट मीडियम. एफर्ट. हां, अच्छा, ऑयल कॉस्टली मीडियम है. कॉस्टली मीडियम है, उसके रॉ मटेरियल्स काफी कॉस्टली आते हैं. एक ऑयल का बेस को सूखने के लिए अराउंड 6 to 7 hours लग जाते हैं, क्योंकि बड़ा कैनवास चल रहा हो. बिल्कुल, वर्सेस एक्रेलिक. एक्रेलिक 30 to 40 minutes के अंदर सूख जाता है, लेकिन ऑयल में मर्जिंग अच्छी आती है. मर्जिंग अच्छी आती है, शाइन अच्छी आती है. तो रियलिस्टिक पेंटिंग पोर्ट्रेट जो बनते हैं, इट्स बिकम्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ ऑम्ब्रे. अच्छा आता है, बिकॉज़ डार्क टू लाइट एंड लाइट टू डार्क. अगर कोई भी आर्ट फॉर्म में ग्रेडियंट यूज करने होते हैं, ऑयल इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. बट अगर लेस ग्रेडियंट्स हैं, आपको एक पेंटिंग लुक देनी है, तो आप एक्रेलिक कलर्स के साथ भी जा सकते हैं. बिल्कुल, आई थिंक इट्स मोर लाइक एन आर्ट आर्ट क्लासेस हो गया हमारा. ओके, एस्थेटिक्स की बात करेंगे. दिस इज आल्सो वेरी फेमस डिजाइन. ये एक आर्ट फॉर्म है. आपने पुरी में रथ यात्रा जी सबको पता है. बिल्कुल राइट, ये रथ यात्रा का डिपिक्शन है. ओके, जिसके अंदर एक हाथी जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई राजा बैठे हुए हैं, सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं. अच्छा, ये भी पूरा नाइफ आर्ट का काम है. राइट, इसका साइज है 3:5 का साइज. ओके, ये क्या रेंज में? ये अपर रेंज ही है. ये अप्रोक्सीमेटली 75 to 80,000 की रेंज में जाता है. 75 to 80,000. राइट, ओके, चलिए, वी विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ. ये दिस इज बुल. यस. ओके, दिस इज अ बुल. इट्स अ मिक्स ऑफ मल्टीपल कलर्स. अगेन नाइफ आर्ट है. राइट, एंड बुल का काफी डिपिक्शन होता है. काफी लोग बोलते हैं पॉजिटिव होता है, काफी बोलते हैं नेगेटिव होता है. हम बोलते हैं हमारे लिए हमारा अपना आर्ट सारा पॉजिटिव है. बिल्कुल ठीक बात है. आप खुश मन से अपना लो तो आपके लिए हर चीज पॉजिटिव. हाँ, मैंने भी सुना है. रिसेंटली मैंने सुना था कि नंदी द बुल एंड Sitted bull is a sign of prosperity. Right. I am not sure because I don't know. I'm an atheist, right. So I don't know much. देखो, Instagram और WhatsApp knowledge के ऊपर हम कुछ भी promote नहीं करते. I know, and especially for a person like me, I'm a non-believer. Absolutely. For me, art is a form. The color red is very sign of aggression. Yes. Yes. और जो bull का form है, वो भी थोड़ा सा aggressive है. Correct. तो थोड़ा सा लोगों को शायद ये लगता होगा. आप notice कर रहे होंगे, मेरे पास आजकल जो art forms आ रहा है ना, बालों काफी pop colors के साथ आ रहा है. उसका सबसे बड़ा reason ही यही है, क्योंकि आजकल भी जो घर बन रहे हैं, वो बड़े minimalistic, pastel color. बड़े ही लाइटर टोन हाउसेस बन रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्स. राइट, इवन जो वॉलपेपर्स भी आजकल जो लोग यूज कर रहे हैं, पहले चलते थे बड़े डिजाइन फॉर्म्स, वेरिएशंस चलती थी. आजकल लोग बहुत ही सिंपल टेक्सचर वॉलपेपर्स, बहुत सटल घर बन रहा है. बिल्कुल. और साथ में उसको इंग्लिश टोन उठाने के लिए अपने फैब्रिक्स को इंग्लिश कर देते हैं. वेरी ट्रू. सिमिलरली, सो दैट द एस्थेटिक सेंस रिमेन्स द मेंटेन्स, कि आपका सोफा भी लाउड कलर्स का है, पॉप कलर्स का है, आपका आर्ट फॉर्म भी मैं पॉप कलर का दे रहा हूं. बिल्कुल. सो दैट द ओवरऑल वाइब ऑफ द रूम remains consistent. Right. जैसे ये वाला अगर आप इसकी बात देखें, जिसमें जो radiant red है, that orange color, it's very bold and striking. So it becomes a focal point. Correct. किसी भी space में आप लगाएंगे तो first thing, you know, this become, it gets all eyes on. Absolutely. Right? Absolutely. वाला आप घर में घुसो और आपका art ना देखे तो सारे पैसे वेस्ट. Right. So how much is this for? This is 35,000. Okay. और इसका size है 53 by 53 inch. Okay. चलिए, moving on to the next one. अब क्या देखेंगे हम? ये वाला है, ये भी knife art है. It's a peacock vertical art. Nice. Right. अगर आप इसको बहुत focusedly देखो, the feathers that have been created. एक-एक छोटे-छोटे नाइफ के स्ट्रोक्स के साथ उस फेदर्स को दिए गए हैं. अगर आप इसको टच करने की कोशिश करोगे, ये पूरा फेदर का रेंज है, सारा टेक्सचर का काम है. बिल्कुल. एवरीथिंग इज टेक्सचर. राइट, जितने भी ओरिजिनल वर्क होते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं, उनके ऊपर ग्लास नहीं होते. right. क्योंकि ग्लास जो है लाइट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज है. लाइट रिफ्लेक्टिंग, और जो ओरिजिनल कैनवासेस होते हैं ना, उसकी लुक खराब कर देते हैं. बिल्कुल. ये क्या प्राइस रेंज में? ये अप्रोक्सीमेटली 22,500 की. ओके, मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एमएफ हुसैन. यस, उनका थोड़ा स्ट्रोक पैटर्न है, डिटो कॉपी नहीं है. Yes. ये क्या प्राइस रेंज में? ये 15,500 है. एमएफ हुसैन इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एवरी इमर्जिंग आर्टिस्ट. ओके, मतलब आप ये लगा लो, एवरी आर्टिस्ट टुडे हु स्टार्ट्स लर्निंग वांट्स टू मेक समथिंग और द अदर इन द फॉर्म ऑफ एमएफ हुसैन आर्ट स्टाइल. ओके, और क्योंकि इमर्जिंग आर्टिस्ट के साथ अर्चित आर्ट गैलरी बहुत ज्यादा काम करती है, अब अगर उन्होंने कुछ इमर्जिंग में बनाया है,
वी कांट से नो एंड वी नेवर से नो ऑफ एनी आर्ट व्हिच इज गुड आर्ट. वैसे ही है जैसे कि एक्टिंग टैलेंट में देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिलीप कुमार एंड अमिताभ बच्चन ऑन एवरी सिंगल आर्टिस्ट. एब्सोल्युटली. एंड यू कांट से यू कांट क्लोज डोर्स ऑन देयर फेस एंड से दैट ओके योर परफॉर्मेंस इज रिफ्लेक्टिंग मिस्टर बच्चन और दिलीप कुमार फॉर दैट मैटर. राइट. देखो आप इमर्जिंग आर्टिस्ट को अगर प्रमोट नहीं करोगे, आप उनका काम खरीदोगे नहीं, उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, तो वो अपना आर्ट फॉर्म निकालने का टाइम ही नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिप्रेशन हो जाएंगे, हमारा ये वाला आर्ट तो बिक ही नहीं रहा, आगे क्या बनाऊं. बिल्कुल ठीक बात है. बहुत डिस्टिंग्विश आर्ट भी बहुत कम है. एक आर्टिस्ट है जैसे बुल की हम बात कर रहे थे, दिस एन आर्टिस्ट कॉल्ड कुणाल दास. राइट. ही इज फ्रॉम कलकत्ता. ही मेक्स बोल्स एंड ब्लैक एंड व्हाइट बोल्स एंड ट्रस्ट मी दे लुक अमेजिंग. यस. होल स्पेस विल बी एम्प्टी, देयर विल बी वन बोल. सो दैट्स हाउ यू प्रमोट पर्टिकुलर आर्टिस्ट. तो उनका जो स्टाइल जो इमर्ज हुआ वो मेजरली बुल फॉर्म में, हाँ बहुत टाइम लगा. अब आप ये लेके चलो उनके साथ अगर कोई गैलरी नहीं अटैच होती, राइट, उनका काम नहीं बिकता, तो वो कितनी एग्जीबिशंस करते, कहाँ कहाँ अपना आर्ट एग्जीबिट करते, और वो इन्वेस्टमेंट है. आज की डेट में किसी अच्छी जगह पे आप गैलरी एग्जीबिशन करने जाओ, वो पर डे का अराउंड 17,000 to 18,000 रुपीज पर डे ले लेते हैं. बिल्कुल. फिर आना जाना, आपको अपनी पेंटिंग्स को फ्रेम करवाना, वहां पे ट्रांसपोर्ट करना, एवरीथिंग इज अ कॉस्ट. नॉट एवरी आर्टिस्ट कैन इन्वेस्ट. अभी गैलरीज कम्स इनटू पिक्चर मोर देन कंज्यूमर के लिए बहुत बढ़िया है. अगर आप कोई एक एग्जीबिशन में विजिट करोगे आपको एक आर्ट फॉर्म मिलेगा. राइट. बट गैलरी में आप मिलोगे करोगे तो आपको मोर देन 20-30 आर्ट फॉर्म्स मिलेंगे. विल कंटिन्यू दिस सिलसिला. लेट्स मूव ऑन फर्दर. कुछ पेंटिंग्स भी दिखाते जाते हैं. Absolutely. कुछ मेरे फेवरेट पेंटिंग्स हैं. Absolutely. वो भी दिखाते हैं एक एक करके. मिनिमलिस्टिक है कुछ. मिनिमलिस्टिक चलो ये वाले दिखा दें पहले प्लीज, लार्ज साइज में, क्योंकि साइज के हिसाब से चल रहे हैं हम. वी वर टॉकिंग ऑफ कैमरा कि ये थोड़ा सा बोहेमियन पैटर्न के हैं जिनमें कि कलर्स मिनिमलिस्टिक, वो जहाँ पे कि कम आर्ट होता है, कलर्स भी कम होते हैं. Correct. और ये तो हो गया मिनिमलिस्टिक. बोहो वो होता है जिसमें कि ट्रैवल आर्ट का रिफ्लेक्शन होता है. ट्रैवल आर्ट का रिफ्लेक्शन होता है. पेस्टल कलर्स को यूज किया होता है उन लोगों ने. हाँ. और बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिजाइन फॉर्म्स के अंदर. Right. उसको आर्ट को निकालना और थोड़ा टेक्सचर भी होता है उसमें. Correct. और थोड़ा सा ना एक आपको कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ट्रैवल भी होता है. Absolutely. ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत ट्रैवल किया है, जंगल्स और सिटीज. बोहो का जो ओरिजिन था वो मेजरली यूरोपियन आर्ट फॉर्म से था. तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो यूरोप इज मेजरली मोर नोन फॉर ट्रैवल्स. राइट. सो वहाँ के जितने भी ट्रैवलर्स थे, जो वो लोग पहले टाइम में अपने कलर्स बनाते थे, वो वहाँ की लोकल सैंड से बनती. बिल्कुल. आप अगर यूरोप की लोकल सैंड देखोगे वो बड़े लाइटर टोन की होती है. Right. वो धीरे 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 पहले कलर आर्ट फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने अपने खुद के डिजाइन निकाले. अब वो वेस्टर्न कल्चर हमारे पास आ रहा है. अब हम धीरे 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 वो वाला आर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं. दिस वन इज सोल्ड आउट. आई हैव टेकन दिस. दिस वन इज सोल्ड आउट. दिस इज अ गिफ्ट टू मिस्टर सजीव सर. थैंक यू वेरी मच. आई जस्ट लव्ड इट. इनफैक्ट देयर आर कपल ऑफ मोर. मुझे सारे अच्छे लगे पर मेरे पास जगह नहीं है. मैं आपको एक दो और दिखाता हूं इसी आर्ट फॉर्म्स के अंदर. जी. थोड़ा कलर्ड पैटर्न में दिखा. जी. अच्छा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हैं. दोनों हैं मेरे पास. वर्टिकल ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ. हॉरिजॉन्टल. अच्छा हॉरिजॉन्टल दिखा रहे हैं आप. सॉरी माय मिस्टेक. नो प्रॉब्लम. ये क्या रेंज में? ये 7500 रुपीस का रेंज है. विद फ्रेम एंड एवरीथिंग. रेडी प्रोडक्ट. वेरी ब्यूटीफुल. आई जस्ट लव्ड इट. यू आर सेइंग समथिंग. एंड ये जो साइज है इसका रेशियो 2:3 का रेशियो है. बट ओवरऑल इसका जो साइज बन रहा है वो 28x40 इंच का है. ओके चलिए. आवर रिकमेंडेशन इज इफ यू हैव अ क्वीन साइज बेड और इवन अ किंग साइज बेड विद लिटल लेस डेप्थ इन द रूम. आप इस एक पेंटिंग को ही लगा सकते हो. यू डोंट हैव टू यूज मल्टीपल पेंटिंग्स ऑन योर वॉल जिससे आपका क्लस्टर बन जाए, वो वाला आर्ट फॉर्म भी ढंग से दिखे ना. तो आप वन पेंटिंग ऑफ दिस साइज इज मोर देन एनफ फॉर योर क्वीन साइज बेड और अ लेसर शॉर्टर रूम इफ यू हैव एन अपार्टमेंट. इस तरीके के काम कर यूज कर सकते हैं आप. और वो भी कल अभी ट्रेंड में नहीं है. आप नेक्स्ट दिखाते जाइए. हम क्लिप्स भी शेयर करेंगे जहाँ पे एक बड़ा पेंटिंग आप लगाते हैं उसके आसपास छोटे पेंटिंग लगाते हैं वो अच्छा नहीं लगता. दे हैव टू बी ऑफ द सेम साइज, है ना. क्लस्टर्स कोलाज आर नॉट मेंट फॉर लिविंग रूम्स और आई वुड से बेडरूम्स. दीज क्लस्टर्स एंड कोलाजेस आर मेजरली मेंट फॉर योर फॉयर एरियाज एंड गैलरीज. गैलरीज आपका वेटिंग एरिया फॉर एग्जांपल है. आपने बार बनाया स्टेयरकेसेस राइट, जहां पर आपका जो फोकल पॉइंट इज लिटिल लेस. अगर आपके पास हाई फोकल पॉइंट है, जैसे अगर आप जहां पे आप खड़े हैं और अगर आप पीछे वाली पेंटिंग दिखाएं, यू हैव अ वेरी यू नो लॉन्ग फोकल पॉइंट. राइट. तो जितना लॉन्ग फोकल पॉइंट होगा उतना बड़ा सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से दिखेगा. ये बहुत अच्छी बात आपने बोली. इसको अच्छे से समझा देते हैं हमारे व्यूअर्स को कि जहां से आप डिस्टेंस से पेंटिंग को देख रहे हैं. Correct. तो ये जरूरी है कि उसका साइज बड़ा हो. Absolutely. छोटे 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 पेंटिंग नहीं लगाने. मेरी सिस्टर के घर में भी ऐसा हुआ है. उन्होंने फैमिली फोटोज लगाई इतनी दूर वॉल पे. मैंने बोला तो आप क्लोज फोटो लेने थे. आपको आपको फुल बॉडी फोटो नहीं लेने थे क्योंकि दिखता ही नहीं कि कौन है. एब्सोल्युटली. सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अब जैसे मैं आपको एक डिजाइन दिखाता हूँ, अगर आप इसी डिजाइन को दूर से देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा. आपको दिखेगा नहीं. और
अगर आप इसी को पास से देखेंगे, आपको एक एक चीज छोटी छोटी चीज देखेंगे। अब यही आर्ट फॉर्म का अगर आप मल्टीपल कोलाज मान लो फॉयर एरिया में लगाते हो, स्टेयर्स में लगाते हो, तो व्हेन एनीबॉडी इज एंटरिंग योर स्टेयर्स और आपका एंट्रेंस एरिया एकदम पास से वो देखेगी, उसको एक एक चीज दिखेगी। अब इसी का कोलाज अगर छोटे पेंटिंग है तो ऐसे लगाइए जो नजदीक से आपको दिखे, राइट। और अगर आपको ऐसी की पेंटिंग लगा रहे हैं जो दूर से, एक और वो दिखा दीजिए वाला बोहो जो आप दिखा रहे थे, जो आप बड़े पेंटिंग्स हैं उनको कहीं भी लगा सकते हैं, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस वो ज्यादा क्लोज से भी ना दिखे, डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे इसको देखने के लिए मिनिमम 4-5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी ये रिकमेंडेड फॉर योर बेडरूम। आपका वही मैंने बोला ना, अगर छोटा लेंथ का बेडरूम है, इस तरीके के आर्ट फॉर्म को यूज करो, इट विल लुक गुड, राइट। देयर इज वन मोर इन दिस, एक और है जो बहुत ही प्यारा है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आई हैव एवर सीन। इसके बाद में ग्रीन में और था वो हमने देख लिया, एक ये है नीचे, वाह दिस इज सो गुड, ऑसम, ट्रस्ट मी, आई मीन दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत अच्छा है, 7,500 रुपीस, यस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गॉर्जियस एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट एक्चुअली, दिस हैज गॉट सेरेबलिज्म आल्सो, द होल रियल जिसको आर्ट बोलते हैं, एंड द ग्रीन इज आल्सो हैज गॉट अ लिटिल बिट ऑफ टेक्सचर, दिस इज द बोहो, दिस इज द बोहो सेंस, राइट, ओके, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अच्छा, काफी सारे लोग हैं वो पेंटिंग शायद इसलिए भी नहीं परचेज कर पाते क्योंकि उनको लगता है पेंटिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है, राइट, आर्टिस्ट बहुत एक्सपेंसिव हैं, उनकी वैल्यूएशन उतनी ज्यादा है, राइट राइट। तो हमारा अगर हम स्टार्टिंग देखें तो हम कहाँ से स्टार्ट करते थे, हमारे पास क्या रेंज से स्टार्ट हो जाती है? हमारा प्राइस रेंज 750 रुपीज से स्टार्ट होता है हैंडमेड कैनवस पेंटिंग का जी, राइट, जो कि 12x12 इंच का साइज है, राइट राइट, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स है उसके अंदर, मतलब कुछ मैंने पेपर वर्क में काम किया हुआ है, कुछ कैनवस में काम किया हुआ है। अब जैसे अगर आप ये वाली पेंटिंग देखें, पिंक कलर के जो शेड्स हैं, दीज आर 750 पर पीस, अच्छा राइट। ऐसे ही कुछ ये वाला काम देखें जो वाटर कलर का काम मैंने दिखाया था जी, अगेन दीज आर ऑल्सो 750 रुपीस पर। इसके सारे डिजाइन दिखा देते हैं, इसके ये हैंडमेड है, प्योर हाथ से बना हुआ है, रिप्रोडक्शन नहीं है ये, राइट, ये 55 ईयर्स ओल्ड आर्टिस्ट है जिन्होंने बनाया था, एब्सोल्युटली है ना, इनका ये वाटर कलर है, उनके सारे वाटर कलर्स के ऊपर काम बनाया है, अच्छा जी, वेरी नाइस। इनको क्योंकि छोटे हैं साइज में तो ये आपको कोलाज बनाने पड़ेंगे, इसके सारे डिजाइन दिखा दीजिए, उसके डिजाइन दिखा दें एक बार, क्योंकि हमने वो इंस्टाग्राम पे तो दिखा दिया, यहाँ नहीं दिखाया। सो दीज आर, दिस इज वाटर कलर ऑन कैनवास, सॉरी ऑन पेपर, दिस इज मॉन्यूमेंट, ये कितने का है? ये 1500 है, इसका साइज डबल है। ओके डन, सो ऐसे आपको दो लेने होंगे अगर आप बैठ के बैग में लगा रहे हैं। ये कुछ कैनवस के अगर आप स्ट्रीट आर्ट देखोगे जी, अगेन दीज आर ऑल्सो 750 रुपीस, अच्छा वेरी कॉस्ट इफेक्टिव जी, मतलब मोस्टली मेरे पास ना आपको कॉस्ट इफेक्टिव चीज में मिलेगी जी, जो इवन आपको मैंने लग्जरी सेगमेंट भी पूरा दिखाया है, अगर आप उस तरीके का काम किसी अच्छी बड़ी गैलरी में लेने जाओगे तो यू विल बी एबल टू जज कि हाँ यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव रेंज है, इवन ऑन अ लग्जरी सेगमेंट ऑल्सो दीज आर्ट वर्क आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव जी। डन, अब हम बताएंगे मिनिमलिस्टिक छोटा, ये वो छोटे घर जो थोड़े से मोनोक्रोमेटिक एंड मिनिमलिस्टिक रख रहे हैं और पेंसिल आर्ट ले रहे हैं, ये बहुत लाउड नहीं होते हैं, बड़े सिंपल से होते हैं ना, लेट्स शो टू आवर व्यूअर्स, इसमें लाइंस ज्यादा होती हैं। ये पेपर पे है, कार्बन पेन के थ्रू काम हुआ हुआ, ऑल यूरोपियन बिल्डिंग्स है, राइट। इसके अंदर मेरे पास कुछ कुछ ऐसा काम भी है जो इंडियन काम भी है, अच्छा, इसमें बनारस या मंदिर का काम भी हो रहा है, कुछ कुछ फिगर्स का काम भी है, बट ये वाली जो सीरीज मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें सारे के सारे यूरोपियन आर्ट फॉर्म्स दिख रहे हैं। डन, ये क्या प्राइस रेंज में? ये भी अगेन 750 रुपीस। ओके, इसके लिए खास ख्याल बता दें, हमारे दो टिप्स हम देंगे, एक तो इनको कोलाज में लगाएं, 3-4-5 लगाएं कम से कम, बेड के पीछे वर्टिकल है तो 4-5 लगाएं, हॉरिजॉन्टल है तो भी 3-4 लगाने, 3 लाल लगा सकते हैं, और इसको अगर आप कोई अपने फीचर वॉल डार्क कलर का सॉलिड बनाए और आप ऑपोजिट दिखाना चाह रहे हैं, correct, तो भी अच्छा दिखेगा, फॉर एग्जांपल आपने ब्लू कलर का वॉल बनाया, एब्सोल्युटली ये देखो आपके लिए ना कंट्रास्ट का काम करेगा, अब अगर नीचे मॉडर्न है, गॉडी कलर्स है, राइट, सो यू कैन यूज दीज सटल वर्क ऑन योर वॉल्स, सो ये एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट का काम करेगा। मैं आपको एक चीज और भी दिखाता हूँ, अगेन दिस इज ऑल्सो आर गैलरी यूनिक वर्क, राइट,
ये तो बैम्बू शीट से क्या है? ये पेपरस है। अच्छा, हैंडमेड पेपर है। पेपरस राइट। ये क्या होता है? ये पेपरस जो होती है ना, पेड़ की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जिसको हम पेड़ छाल बोलते हैं, ये उसको यूज करके उसके ऊपर कार्बन पेन और वाटर कलर्स को यूज करके बनाया गया जी। ये सारा इजिप्ट आर्ट फॉर्म है। Alright. इसमें मेरे पास कुछ आपको वर्टिकल ओरिएंटेशन मिल जाएगा, कुछ हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन मिल जाएगा, आपका जैसा साइज रेशियो है आप मुझे बताइए, मेरे पास वो वाला आर्ट फॉर्म मिल जाएगा। Alright. इसमें तो ब्यूटी इज, आप अगर पीछे से देखोगे ना, इट्स अ ग्लास। ओके, अगेन फ्रंट इज अ ग्लास। पेपर्स को हमने मोर लाइक अ सैंडविच की तरह फ्रेमिंग कर रखा है। राइट, ये बड़ा यूनिक काम है, ये गिफ्टिंग के लिए बहुत ज्यादा है। मोस्टली गवर्नमेंट या डिप्लोमैट्स को अगर गिफ्ट करना हो इंडियन फॉर्म, तो ये भी मेरा बहुत अच्छा पॉपुलर आर्टिकल है। ठीक है, इसका जो, क्योंकि ग्लास का जो ऑल साइड जो ये फ्रेम है, राइट, तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपको वॉल का कलर दिखाई देगा, तो आपके वॉल में मर्ज हो जाएगा। चलिए, तो आप इसको कॉन्ट्रास्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आपका मान लो आइवरी कलर नहीं है, राइट, या क्रीम कलर नहीं है अपनी वॉल का, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आइवरी होगा तो ये मर्ज हो जाएगा, तो इतनी अच्छी। ये क्या रेंज में वैसे सारे? ये जो बड़ा वाला पीस है वो 1800 है, जो छोटा साइज है वो 1500। चलिए ठीक है, डन। इसके अलावा हमारे पास रिलीजियस पेंटिंग्स भी मिल जाती है, जो काफी सारे लोग हैं टेंपल एरियाज में लगाते हैं। आप क्या दिखाएंगे? ये देखो आप, मेरा एक बहुत अच्छा मास्टरपीस है, बनारस का काम है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म में बना हुआ है जी। राइट, ये इसका साइज है 3:5 का। ओके, राइट, ये मेरा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मतलब ये जब आई थिंक व्हेन ही वाज स्टार्टिंग हिज करियर, वो तब से आया हुआ था। आज 23 ईयर्स होने वाले हैं, आज भी हम उनका काम बेच रहे हैं। क्या रेंज में होगा वो? ये टोटल 18,000 रुपीस का। ऑलराइट, डन। ये हमारे देखी हुई पेंटिंग है, ये सेकंड वर्जन है उसका। यस, मतलब एक पहले आप बनवा चुके हैं, ये डॉक्टर साहब के घर में था पूना में, उसमें थोड़ा अलग वेरिएशन था, थोड़ा खुला था ना। राइट, ये उसका थोड़ा सा कलर टोन अलग था कंपेयर टू दिस, देखो हैंडमेड है, सेम टू सेम तो बन नहीं सकता, थोड़ा बहुत 10-15% का वेरिएशन आता ही आता है। राइट, क्या प्राइस रेंज है इसका? 45,000। इसके नीचे जो हमारा वॉटर आर्ट है और ये सब, अब मैं आपको ना कुछ कैनवासेस दिखाता हूँ जी अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। अच्छा, इनकी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेम्ड ऑलरेडी। यस, देखो मेरे पास दोनों ऑप्शन है। अच्छा, आपकी अपनी चॉइस है, जैसे भी आप परचेज करना चाहो। इफ यू वांट कैनवासेस, यू कैन आल्सो बाय कैनवासेस आल्सो। इफ यू वांट विद डिलीवरी विद फ्रेम, ऐसे करके दिखाते जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके। तो ये आपके पास फ्रेम पहुंच जाएंगे? ये आपको फ्रेम पहुंच जाएंगे। ये मेरे कलेक्टेबल्स में से मैंने आज आपके लिए निकाला। वेरी ब्यूटीफुल। ये मोस्टली मैं सेल आउट करता नहीं था, बट मेरे को था कि मैं अपना कुछ एक्सक्लूसिव काम भी। तो ट्रेपिटी क्या एक वैसे आपके फादर ने पिक हमको दिखाए थे ना, टेपेस्ट्रीज, वो भी हमारी कलेक्टेबल्स थी। अच्छा, वो हमने उस टाइम पे निकाला था और वो सारी बिकी। सारी बिकी, ब्यूटीफुल। उसके अंदर गॉर्जियस पेंटिंग्स, इतने सुंदर थे उसके अंदर। आई थिंक देयर वाज वहीदा रहमान, मीना कुमारी, मधुबाला, एंड दिस इज मिडिल ईस्टर्न स्टाइल, दिस इज अरेबियन मिडिल ईस्टर्न स्टाइल ऑफ आर्टवर्क। अगर ये वहाँ के जैसे पुराने टाइम के जो हवेलीज होती थी या घर होते थे, ये उनका आर्ट फॉर्म बनाया गया। वेरी नाइस। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ इसी फॉर्म में, मेरे पास है और भी पेंटिंग्स। ये भी अरेबियन यूरोपियन आर्ट फॉर्म्स में आता है। एक मैं आपको और दिखाता हूँ। I love the distressed finish ना, पूरा aging हो गया उसका। जैसे रवि राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग है हमारे पास। This is approximately 3:4 feet का साइज है। Okay. ये आपको विद फ्रेम चाहिए, विदाउट फ्रेम चाहिए, जैसे भी चाहिए आपको मिल जाएगा। Original will cost around 2 crores, more than half 3 crores. मिल जाए वो भी एक। हाँ, तो nobody is selling it actually. Right. Painting is an exhibition, is sort of an investment. Absolutely. हम पहले भी बात कर रहे थे। Absolutely. क्योंकि I was fortunate that I had a dinner and we were doing a movie with Mr. Victor Banerjee. Okay. आप अगला दिखा दें। Right. तो he invited us to his Calcutta house. Okay. Wow, this is Raja Ravi Verma. ये उनका signature काम है। अच्छा। This was the painting जो जिनकी वजह से राजा रवि वर्मा जी का आर्ट एकदम से उठा था। अच्छा। Then what he did was कि जितने भी ये चौपाल है बेसिकली, कि सारे लोग इकट्ठे मिलके बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। जैसे ही ये पेंटिंग फेमस हुई थी ना, फिर इंडिविजुअल पेंटिंग्स बनने लगी। ओके। सिंगल 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 पोर्ट्रेट। तो दिस वाज द वन फर्स्ट पेंटिंग जो
एकदम से उठी थी मार्केट के अंदर. राइट, एक दो तीन चीजें हैं इसमें. आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आई थिंक व्हाट आई एम सेइंग इज आप भी वही देख रहे हैं क्या, चौपाल है इसमें. यस, एंड दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिफरेंट आर्ट. बंगालीज हैं, ब्रिटिश हैं, महाराष्ट्रियन है इसमें. right. इसके अंदर छत्तीसगढ़ी आर्ट है. वुमेन ड्रेस्ड इन डिफरेंट वेज एंड मींस, है ना. यस, अलग अलग कल्चर के हैं, सब मुस्लिम्स. राइट, वो राइट में देख रहे हैं, ये आदिवासी महिला, देन महाराष्ट्रियन, देन बंगाली. इंडियन वुमेन जो है ना, ये उनको भी रिप्रेजेंट करता है कि हमारे देश में किस तरीके की औरतें हैं, और ये उस समय को रिप्रेजेंट करता है. उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे, तो आप देखोगे कुछ ब्रिटिश आर्ट फॉर्म है. उस टाइम पे हमारे ब्रिटिश लेडी है, दिस इज अ इंग्लिश लेडी. राइट, अब मेरे पास एक और आर्ट फॉर्म है, गोंद आर्ट फॉर्म, जो आजकल वेरी वेरी पॉपुलर. ये भी थोड़ा मिनिमलिस्टिक एंड बोहो में आती है. गोंद इज अपने आप में एक आर्ट फॉर्म है. तो ये क्या रेंज में जाते हैं? ये अप्रोक्सीमेटली 28,000 रुपीस की रेंज है विद फ्रेम. आपको विदाउट फ्रेम चाहिए तो उसके फ्रेमिंग के पैसे कम. चलिए, इसमें छोटे बड़े हर तरह के होते हैं. हाँ, ये मेरा नया आर्ट फॉर्म है. पहले मैं रखता नहीं था गोंद आर्ट फॉर्म, बट अब धीरे 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 मैंने काफी सारी यूनिक चीजों को उठाना शुरू किया. ये मेरा काफी बड़ा पीस है, शायद मेरे इतना बड़ा हाथ ना हो दिखाने का, बट आई ट्राई माय बेस्ट. ये भी गोंद आर्ट है? ये भी गोंद आर्ट फॉर्म. ओके, इसके अंदर हमने खुद का अपना कुछ क्रिएटिविटी किया. गोंद आर्ट 90% व्हाइट बैकग्राउंड पे बनता है. बिल्कुल, ये हमने पिंक बैकग्राउंड, साथ में गोल्ड नहीं होता था, आपने वो भी ऐड करा है इसमें. ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब मिस्टर बैनर्जी के घर में मैंने एक पेंटिंग देखी, मैंने उनको पूछा, सर दिस लुक्स लाइक एमएफ हुसैन. He said, you're right. There was a painting, जो ज़्यादा बड़ी नहीं थी. Okay. तो मैंने बोला, आपने कब खरीदी? He said, he purchased it when he used to paint at काला घोड़ा. Oh, nice. जहांगीर आर्ट गैलरी, जहांगीर सबरवाल गैलरी. He got it for 630 rupees. Oh. 60 years ago. Wow. तो मैंने पूछा कि not really 55 years ago approximately. Okay. तो मैंने पूछा, अभी इसका क्या tentative price? He said कि अभी जो मुझका last quote मिला है वो 82 lakhs मिला है. Wow. Wow. ये तो ब्यूटी है आर्ट की. राइट, सो दैट्स हाउ यू मेक इट. वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैन वी सी दिस? यस, मैं आपको ना कुछ नया पीस दिखाता हूं. अभी आया व्हाइल वी वर ट्राइंग टू. अभी ये देखो, गोल्डन सीरीज में अभी तो अभी अनलोड ही हो रहा है. ये लोड हो रहा है एक पेंटिंग जो अभी जस्ट अभी आई है. ये देखिए, लेट मी रियल दिस. व्हाई डू आई थिंक दिस इज लाइक अ पिक्चर? यही तो ब्यूटी है आर्ट. वाओ, सुपर गुड. हैंडमेड? हैंडमेड. एंड दिस इज नॉट अ पिक्चर? राइट, सुपर गुड. दिस इज अ पेंटिंग, एकदम रियलिस्टिक रॉकी फॉर्म के अंदर. अगर आप गणेश जी को देखेंगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा प्रॉपर पत्थर के गणेश जी का आर्ट फॉर्म. बिल्कुल, बहुत अच्छा बनाया है. मेरे पास ये आर्ट फॉर्म जो है ना, वो छोटे साइज में भी है. जो मेरे बेंच के पास लगा हुआ, मैं आपको अभी दिखाऊंगा. अच्छा, हाँ. अगर आप पास से देखेंगे, एकदम ये टेक्सचर लेयर है पूरी. मल्टीपल लेयर्स हैं इसमें. मल्टीपल लेयर्स है, नाइफ के थ्रू काम होता है. मल्टी कलर्स को यूज किया है, पॉप कलर्स सारे के सारे उसमें एड किए, और फ्रेमिंग भी इसकी मैंने थोड़ी सी प्रीमियम ही करवाई है. ठीक है, ये क्या रेंज में? ये 28,500. राइट, चलिए ठीक है. अब वो दिखा दें जो JW मैरियट ने ले लिया है, उनकी वो आर्टिस्ट के का रिफ्लेक्शन है इसमें. एक बार दिखा दीजिए ये. Can we show this? Yes, yes. You are looking apprehensive. Okay. Okay. JW मैरियट बॉम्बे. Yes. उनका मतलब not the same copy, but this has a reflection of that artist, right? Yes. Okay. और जो पीछे आप देख रहे हैं ग्रेडियंट, जितने भी ऑरेंज टेक्सचर, इट इज नॉट अ पिक्चर. It's handmade, right? Yes. It's beautiful. A complete 100% handmade canvas made with acrylic colors. All right. ठीक है. चलिए, ये this will never end क्योंकि पूरा ट्रक है. एक इजेस ही अब भी arrive हुआ, right? Yes. Okay. Yes, yes, okay. चलिए ठीक है. इसका commercials के ऊपर अभी pricing आपको निकालनी है कि क्या pricing में होगी. Right. But एक कुछ basic सवाल है before we sign out. किस तरह से order place करना है उसके बारे में बता दें व्यूअर्स को. जी. सो देखो, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है, आप हमारी गैलरी में आइए, आप अपने हाथ से देखिए कि रियल में देखिए पेंटिंग्स कैसी लगती हैं. क्योंकि पिक्चर्स में पेंटिंग्स को इमेजिन करना, देखना, उसकी रियल वैल्यू देखना बड़ा मुश्किल है. जी, आई कैन सेंड यू कैटलॉग, बट अगेन दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. आप कन्फ्यूज भी हो जाओगे, बिकॉज अगर एक साइज में मेरे पास तो एक्चुअल में हर साइज में मोर देन 700-800 आर्टिकल्स हैं. अगर मैं आपको उसका 10% भी भेज दूँ ना, तब भी आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. बिल्कुल. तो जनरली व्हाट वी रिकमेंड इज, आपने जहाँ भी अपना पेंटिंग लगाना है, अब आप मान लो दिल्ली NCR से बाहर हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, जम्मू में हो, आपको जहाँ भी वो पेंटिंग यूज करनी है, आप उसकी फोटो भेजो या वीडियो भेजो, तो उसको हम इवेल्युएट करेंगे. हम अपने एस्थेटिक से, डिजाइन सेंस से आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा मेरा आर्ट
आपके उस वॉल पे अच्छा लगेगा। हम अपना रिकमेंडेशन देंगे और आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके थोड़ा आपका टेस्ट भी समझ जाएंगे। अगर आपको हमारी रिकमेंडेशन अच्छी लगती है, यू कैन गो फॉर इट, यू कैन बाय विद फ्रेम, विदाउट फ्रेम, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, इट्स अप टू यू। ऑब्वियसली विद फ्रेम बाय करेंगे साइज बढ़ जाता है, लॉजिस्टिक उसका कार्ट्रेज ऐड हो जाता है, विच इज ऑब्वियस। विदाउट फ्रेम करेंगे तो वो रोल के फॉर्म में आता है, एंड विदाउट फ्रेम आई जनरली डू अ फ्री डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया एज़ वेल। ओके, दैट्स नाइस। सो वो जो पीडीएफ वाला सीन है, बाकी फर्नीचर वाले भी नहीं करते। एब्सोल्युटली, वी डोंट प्रोवाइड पीडीएफ, अदरवाइज देयर इज नो एंड टू इट। PDF is not easy to maintain in art, our type of work. वो तो खत्म भी हो जाते हैं ना। खत्म हो गया, मान लो 500 पेंटिंग से मैंने एक PDF बना भी दिया, अब आज मेरे पास आपके आगे ही देख लो 34 पेंटिंग्स आई हैं। जैसे मैंने अभी कुछ ले लिया आपसे 34 पेंटिंग्स और आए अभी। Yes. चलिए, we could not feature them. No. So no more PDF sequence. That's the right way of doing it. You share this whatever this Archer is asking. आप हमारे experience का benefit लेना चाहते हो तो सबसे best वो है। Right. नहीं तो अगर आप ऐसे collection WhatsApp के अंदर मांगना चाहते हो तो that's not the right way of buying an art. Choosing an art, it's an art. इसको एक artifact की तरह या statue की तरह मत लेको, मत लेके चलो। Before we sign out, एक request है मेरी for all the people, those who want to put up art in their commercial spaces, especially office complexes, shopping malls, and even hotels. Right. आप अच्छे से कांटेक्ट कर लीजिए, ही विल गाइड यू द राइट विद द राइट काइंड ऑफ डिजाइंस एंड आइडियाज। वो थोड़ा बल्क में जो बाइंग होगा उसका प्राइस में भी थोड़ा सा फर्क वेरिएशन आता है। ऑब्वियसली अगर आप बल्क ले रहे हो, कोई कमर्शियल रीसेलिंग के लिए ले रहे हो, आप इंटीरियर डिजाइनर हो तो देयर आर स्पेशल रेट्स फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स, रीसेलर्स, आर्किटेक्ट्स, सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली विद मी। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।